ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। खचाखच भरा बीजेपी का दफ्तर, मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार, जिन्होंने होली की सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली थी। मध्य प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता नए महाराज की अगवानी के लिए बीजेपी दफ्तर में खड़े थे। सिंधिया आए, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको पार्टी में शामिल किया और उनकी शान में कसीदे पढ़े। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपने अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे लिए आना इनका, इस विचारधारा में हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं। जिस वक्त सिंधिया बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उस वक्त मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार विधायकों की जोड़ तोड़ के बीच सैंडविच हुई जा रही थी। बीजेपी की सारी उम्मीदें सिंधिया पर टिक गई, जिनके बेंगलुरु के रिजॉर्ट में होने की खबर है, और वो वहीं से कह रहे हैं कि हम मरेंगे तो सिंधिया के लिए, जिएंगे तो सिंधिया के लिए। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि दबाव में इस्तीफा दिया, हम कोई के दबाव में नहीं है, हमने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया और ये सही है कि हम सरपंच महाराज साहब के साथ हमेशा थे और रहेंगे। ज्योतिराय सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है, वो किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है। इधर दिल्ली में 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद सिंधिया ने बीजेपी के साथ जीने मरने की कसम खाई। जनसेवा भी कैसे कैसे जहर पीने को मजबूर कर दी है। जिस सिंधिया ने पीएम मोदी पर चौकीदार चोर है वाले बेहद तीखे हमले बोले, अब उसी प्रधानमंत्री मोदी से सत्य और सेवा की प्रेरणा मिल रही है। जो कहते हैं स्वयं चौकीदार बनने के लिए आए हैं और जिनके चौकीदारी में देश का एक एक चोर देश के अंदर चोरी करके विदेश भाग गया। जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा। कांग्रेस से बीजेपी दफ्तर की दूरी तो महज 5 किलोमीटर है, लेकिन दोनों पार्टियों की विचारधारा में बहुत बड़ा फासला है। उस फासले को सिंधिया ने एक झटके में तय कर लिया, लेकिन वो सदाएं उनका पीछा करेंगी जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उछाले थे। हालांकि अब तो सब कुछ बदल गया है। पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं, डीजल के दाम घटने चाहिए या नहीं, रसोई गैस का दाम घटना चाहिए। योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी के हो गए, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कुछ समय पहले ही शुरू हो गई थी। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था। 6 अगस्त को ही उसके समर्थन में सिंधिया ने ट्वीट कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और भारत देश में उनके पूर्ण रूप से एकीकरण का मैं समर्थन करता हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाता तो बेहतर होता, साथ ही कोई प्रश्न भी खड़े नहीं होते, लेकिन ये फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। वैसे ही नागरिकता संशोधन कानून का भी सिंधिया ने समर्थन किया था। सिंधिया का मन कुछ कुछ तो शायद पहले ही बन गया था, लेकिन मध्य प्रदेश की सेवा की भावना पिछले दिनों एक तड़प में बदल गई और उसने उनको पूरी तरह पीएम मोदी का मुरीद बना दिया।